हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको विलियन चैप्टर से क्वथनांक अवनमन बेस से अवाष्पीय विलेय का अनुभाग कैसे निकालते हैं, यानी हिमांक अवनमन बेस से अवाष्पीय विलेय का अनुभाग कैसे ज्ञात करते हैं, ये चीज बताएं। सबसे पहली बात कि हिमांक कैसे निकाला जाता है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं। हिमांक निकालने के लिए एक हिमकारी नली लेते हैं, जो हिमांक निकालते हैं उसके लिए एक हिमकारी नली लेते हैं और उसमें एक बैकमैन थर्मामीटर लगा देते हैं। बैकमैन थर्मामीटर के साथ साथ एक विडोलक भी डाल देते हैं। विडोलक का काम हिलाने के लिए होता है, बैकमैन थर्मामीटर से टेम्परेचर नोट करते हैं। और इसे हिमकारी नली में जिस विलायक का हमें हिमांक निकालना होता है उस विलायक को इसमें भर लेते हैं। यानी हम कह सकते हैं एक हमने हिमकारी नली ली, इस हिमकारी नली में चिन्ह लगे होते हैं और इस हिमकारी नली में एक बैकमैन थर्मामीटर पड़ा होता है, इसमें एक विडोलक पड़ा होता है और इसमें जिस विलायक का हमें हिमांक निकालना होता है उस विलायक को इसमें भर लिया जाता है। फिर इसे एक बाह जैकेट से बंद कर, फिर इसको एक वाह जैकेट से बंद कर। वाह जैकेट में बर्फ के टुकड़े पड़े होते हैं, वाह जैकेट होती है उसमें बर्फ के टुकड़े के टुकड़े पड़े होते हैं। इस पूरे समायोजन को करने के बाद जब इन बर्फ के टुकड़ों के द्वारा हिमकारी नली ठंडी होती है तो ठंडी होने पर जो हिमकारी नली में विलायक लिया जाता है ये अपने हिमांक पर जम जाता है, और जब अपने हिमांक पर जम जाता है तो उसे बैकमैन थर्मामीटर से नोट कर लेते हैं, वो विलायक का ताप टी कहलाता है, उसे विलायक का हिमांक कहते हैं, विलायक का हिमांक। इसके बाद इस बाह जैकेट को हटा देते हैं, बाह जैकेट को हटाने पर ये विलायक पिघल जाता है और इस विलायक में 0.2 ग्राम या 0.4 ग्राम विलेय स्मॉल डब्लू मिला, यानी किसी भी अवाष्पीय विलेय की 0.2 ग्राम, 10 ग्राम, 5 ग्राम, तो अवाष्पीय विलेय की ग्राम में मात्रा मिला। जब विलेश में मिला लेते हैं तो विलियन बन जाता है, फिर इसे बाह जैकेट से बंद कर देते हैं। बाह जैकेट में ये बर्फ के टुकड़े पड़े होते हैं, इन बर्फ के टुकड़ों के द्वारा ये विलियन अपने हिमांक पर जमता है, उस हिमांक को फिर से नोट कर लेते हैं, वो विलियन का हिमांक टीएस कहलाता है। विलियन का हिमांक टीएस कहलाता है। अब ये देखते हैं कि विलियन का हिमांक अधिक है या विलायक का हिमांक अधिक है, तो हम देखेंगे कि जो विलायक है उसका हिमांक और विलियन के हिमांक में विलायक का हिमांक अधिक होगा, विलियन का हिमांक कम होगा। यानी विलायक के हिमांक से विलियन का हिमांक कम होता है और इस कमी को ही हिमांक अवनमन कहते हैं, इस कमी को ही हिमांक अवनमन कहते हैं। हिमांक अवनमन डेल्टा टी इसे T-TS सूत्र से ज्ञात करते हैं।
माइनस टी एस सूत्र से ज्ञात कर लेते हैं। मोलर उन्नयन स्थिरांक के और मोलर उन्नयन स्थिरांक के एफ तालिका से देखकर ज्ञात कर लेते हैं। तो जब हम किसी आवासीय विलेय की बात करेंगे उसका व्यवहार ज्ञात करना होता है, तो अगर मोलर की बात हो तो 100 ml में बात होती है कि 100 ग्राम विलायक में कितना पदार्थ है, और मोलर की बात हो तो 1000 ग्राम विलायक में कितना पदार्थ है, कितने मोल हैं। तो यहाँ पे मोलर और नॉन बेस से आवासीय विलेय का व्यवहार ज्ञात करेंगे तो स्मॉल m इज इक्वल टू 100 के स्मॉल w अपॉन डेल्टा t कैपिटल w सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो मोलर और नॉन स्थिरांक के लिए आवासीय विलेय का व्यवहार स्मॉल m इज इक्वल टू 100 के w अपॉन डेल्टा t कैपिटल w सूत्र का प्रयोग करते हैं। स्मॉल w आवासीय विलेय की ग्राम में मात्रा होती है, कैपिटल W विलायक की ग्राम में मात्रा होती है, डेल्टा T हिमांक अवनमन होता है, स्मॉल m आवासीय विलेय का व्यवहार होता है। अगर हम किसी मोलर अवनमन स्थिरांक के लिए आवासीय विलेय का व्यवहार ज्ञात करेंगे तो उसके लिए स्मॉल m इज इक्वल टू यहाँ 1000 लेंगे, 1000 के एफ स्मॉल W अपॉन डेल्टा T कैपिटल W। यहाँ पे हम इस सूत्र का प्रयोग करें, यहाँ पे Kf मोलर अवनमन स्थिरांक है, स्मॉल W विलेय की ग्राम में मात्रा है, कैपिटल W विलायक की ग्राम में मात्रा, डेल्टा T मोलर अवनमन स्थिरांक है, स्मॉल m आवासीय विलेय का व्यवहार है। इस प्रकार से ज्ञात कर लेते हैं। अगर हम मोलर अवनमन स्थिरांक किसे कहते हैं, मोलर अवनमन स्थिरांक किसे कहते हैं, अगर ये परिभाषा लिखें तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, मोलर अवनमन स्थिरांक 100 ग्राम विलायक ले लो, 100 ग्राम विलायक में आवासीय विलेय का एक मोल भुला हो, उस समय क्वथनांक में होने वाली कमी को मोलर उन्नयन स्थिरांक, मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। और मोलर उन्नयन स्थिरांक की बात करें, मोलर अवनमन स्थिरांक की बात करें, तो 1000 ग्राम विलायक में आवासीय विलेय का एक मोल भुला हो उस समय हिमांक अवनमन को मोलर अवनमन स्थिरांक कहते हैं। इसी प्रकार से ये मोलर का इस प्रकार से देखेंगे, 100 ग्राम विलायक में आवासीय विलेय का एक मोल भुला हो उस समय हिमांक अवनमन को मोलर अवनमन स्थिरांक कहते हैं।